सब्सक्राइब करिए टेकियास यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियास यूट्यूब चैनल। और गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि रेडमी नोट 5 प्रो 4GB 64GB वाला वेरिएंट आपको 13,500 में मिलेगा, Asus Zenfone Max Pro M1 का जो 3GB 32GB वाला वेरिएंट है वो आपको सिर्फ 9,900 में मिलेगा, Realme 1 का 4GB 64GB वाला वेरिएंट सिर्फ आपको मिलेगा 9,900 रुपये में, और Redmi Y2 सिर्फ आपको मिलेगा 9,000 की प्राइस पॉइंट पे। तो आप क्या बोलोगे? तो गाइस, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एंड तक पता लग जाएगा कि डिस्काउंटेड प्राइस आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशन पर देखने को मिलेगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बता देता हूँ कि भाई आपको इतना डिस्काउंट कैसे मिलेगा। तो आज है 16 जुलाई, तो आज के दिन से लेकर 19 जुलाई तक के आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे दोनों पे ही सेल देखने को मिल जाता है। फ्लिपकार्ट पे आपको बिग शॉपिंग डेज का सेल मिलेगा और अमेजोन पे प्राइम डेज का सेल मिलेगा। अब यहाँ पर Asus Zenfone Max Pro M1, Redmi Note 5 Pro, Realme 1 और Redmi Y2 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन है और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, इसलिए इन लोगों का एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूँ। Redmi Note 5 Pro और Zenfone Max Pro आपको Flipkart पे मिल जाता है और Realme 1 और Redmi Y2 आपको Amazon पे मिल जाता है। तो मैं अभी आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ कि भाई कौन से कार्ड पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं Flipkart की, तो Flipkart पे आपको सिर्फ एक ही बैंक के एक ही कार्ड से मिलेगा, जो कि SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड रहेगा तो ही आपको मिलेगा, डेबिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड रहता है तो Redmi Note 5 Pro पे आपको 10% या कोई भी स्मार्टफोन लेते तो उस पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो Redmi Note 5 Pro आपको रेगुलर जो प्राइस है वो 15,000 रुपये है, अगर आप डायरेक्टली SBI के क्रेडिट कार्ड से लेते हो तो डायरेक्ट आपको 13,500 रुपये में डायरेक्ट मिल जाएगा। और Zenfone Max Pro M1 का जो 3GB 32GB वाला वेरियंट है जिसका रेगुलर प्राइस है 11,000 रुपये, वो आपको सिर्फ डायरेक्टली मिल जाएगा 1,100 डिस्काउंट होकर 9,900 रुपये में। अब बात करते हैं यहाँ पर Amazon के सेल की, तो Amazon पे भी यहाँ पर आपको दो कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट जो बैंक है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आपको HDFC के बैंक पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, उस पर आपको SBI पे मिलता था, इसमें आपको HDFC पे मिलेगा। और यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड एज वेल एज डेबिट कार्ड पे दोनों ही पे आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो Realme 1 अगर आप 4GB 64GB वाला वेरिएंट परचेस करते हो तो यहाँ पर आपको 1100 का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा और आपको मिल जाएगा 9,900 की प्राइस पॉइंट पे। Redmi Y2 जो 10,000 में आपको स्मार्टफोन मिलता है उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो वो हो जाएगा 9,000 रुपये का। तो 9,000 में आपको Redmi Y2 भी मिल जाएगा। और एक और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, Flipkart पे तो आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से ले सकते हो, बट Amazon का जो सेल है आपको एप्लीकेबल करने के लिए आपको प्राइम मेंबर होना ज़रूरी है। और अगर आपने प्राइम मेंबर नहीं हो तो प्राइम मेंबरशिप आप ले सकते हो, 129 रुपये में आपको कुछ है एक महीने की मेंबरशिप मिल जाती है। तो भाई आपको 1200-1500 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 129 अगर चले भी गया तो नो प्रॉब्लम, अगर आप प्राइम मेंबर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसा यहाँ पर और भी स्मार्टफोन पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और Amazon की बात करते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको 1,750 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, उससे ज़्यादा आप कितना भी महंगा फ़ोन ले लो उससे ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। और Flipkart पे भी आपको कुछ 1500 के आसपास का डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। तो गाइस, बिलीव मी, अगर आपको ये चार फोन में से कोई भी फोन लेना था, आपने सोचे थे कि भाई मैं ले लूँ, तो कोई भी कहीं से भी जुगाड़ कर दो कार्ड की, SBI के क्रेडिट कार्ड की या HDFC के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की कर दो, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड वाले फ़ोन मिल जाएंगे और इतने अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल जाएंगे। 13,500 में Redmi Note 5 Pro से अच्छा कोई डिवाइस नहीं है, 9,900 रुपये में Asus Zenfone Max Pro, Realme 1 से अच्छा डिवाइस नहीं है, और 9,000 में भी अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए तो Redmi Y2 से भी अच्छा डिवाइस नहीं है। गाइस, ये मुझे आपको डिटेल में बताना था, आई होप कि मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप परचेस कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।